बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड की नसीब किए थे, फैक्टराइजेशन की थी, इंटीग्रल्स के लिए था, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया था। अब हमारे पास आगे आ रहे हैं वो हायर डिग्री आ रहे हैं मतलब डिग्री 4 या 2। अब आपने पढ़ना है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जब आपके पास हाईएस्ट डिग्री होती है उसको दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें हम लोग नेक्स्ट से इसके अंदर टाइप्स पढ़ेंगे, 5 टाइप है 1.2 के अंदर। उन टाइप्स के अंदर हमने जो क्वाड्रेटिक वो जो इक्वेशंस आएंगे डिग्री 4 है ये कुछ उनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर यही मेथड लगा के मिडटर्म लाइक इंजीनियरिंग कैसे सॉल्व करना है। इसके अंदर जो सबसे पहली आप लोगों के पास टाइप आएगी वो है टाइप 1, आप लोगों के पास आ जाएगी ए एक्स 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। इसको आप लोग कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 हो, जितनी डिग्री होती है उतने सॉल्यूशन सेट आते हैं। ये आप लोगों को पहले मैंने बता दिया। तो पहली चीज आप लोगों के पास पहली टाइप में वो है बाई क्वाड्रेटिक, मतलब डिग्री 4 होगी। इसको हमने रिड्यूस करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। आप इसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है। तो फर्स्ट टाइप है ax2 bx2 c 0। सिंपल है, इसको कन्वर्ट करने के मेथड कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना होता है, ये जो 4 है इसको स्क्वायर पर स्क्वायर लिख देना है। आगे आप लोग इसे भी साफ कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन में आता हूं, एक एक टाइप समझा कर साफ होकर क्वेश्चन करवाता जाऊंगा। एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों ने खुद करनी होती है, एग्जाम्पल साथ साथ लेके चलने, क्योंकि मेरा टेस्ट जो होता है वो अक्सर एग्जाम्पल या रिव्यू के अंदर से होता है। तो ये जहन में रहे कि जो मैं लिख पा रहा हूँ कोई चीज़ आप लोगों ने करनी होगी, तो चीज़ को अच्छी तरह समझ के उसको साफ करें। ये ना देखें कि बुक में ये क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, सिर्फ आपको मेथड उसका क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया, आपके पास 1.2 के अंदर जो पहले 3 क्वेश्चन थे वो है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से मैं पार्ट नंबर 3 करवा देता हूँ। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि जो सामने जो टीचर करते हैं, और अब मुझे नहीं पता आप लोगों को मुश्किल कौन सा लग रहा है, आसान कौन सा। मेरे की नज़र में जो आप लोगों के लिए आगे जा कर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा या कुछ ऐसा है, मैं वो करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पिछले पार्ट आसानी से जाऊँ। मूमन ऐसा होता है पहला पार्ट या दूसरा वो थोड़ा सा आसानी दी जाए, इसलिए आखिरी पार्ट में डायरेक्ट जाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं थर्ड पार्ट आप लोगों के पास आ रहा है साइंस
5 by 10 by 10. Terus kita balik ke minus 1 by 10 by minus 5. 2 by minus 1 3 by minus 5 equal to 0. Apa tuh plus ke apa? 2 by minus 1 equal to 0. 3 by minus 5 equal to 0. 3 by is equal to 5. और y is equal to 5 by 3. बोल से इधर 3 को divide कर देंगे ये. 2 y is equal to 1. 2 को बोल से divide कर दें. y आ गया 1 by 2. और ये 5 by 3. ठीक हो गया. ये आपको के पास y के लिए आ गई. क्या y के आंसर है? क्वेश्चन मार x पे हम y के आंसर दे ऐसे तो नहीं सकते. जब डेट से जाते हैं तो डेट ने कहा कि ना होता है कि जो डेट के होती है. अब हमने क्या करना है? इसको 1 के लो प्री पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1 इस पे हम लोग पुट कर देंगे. पहले मैं पुट कर देता हूं इसको y = 1 / y = x के लिए y के बगल में पुट कर दें x वैल्यू का इसके x is equal to plus minus इसके स्क्वायर में आपको कहा था जब घटाएं इसके रूट ने तो आप लोगों के पास पर प्लस माइनस लगाने थे. अगर दूसरी बार एक क्वाड्रेटिक है तो प्लस माइनस लगाएंगे तो आंसर है तो 1 का रूट 1 ही होता है. रूट हमें नहीं पता तो ये अब दूसरी बार पूछ सकते हैं y is equal to 5 by 3 y is equal to x का स्क्वायर. y आपके पास आ गया 5 by 3 x स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लें तो ये भी आप लोगों के पास प्लस माइनस 5 by 3. तो सॉल्यूशन सेट आप लोगों के पास आ गया प्लस माइनस 1 by 2 प्लस माइनस 5 by 3 प्लस के रूट. अब आप लोग देख सकते हैं डिग्री 4 है तो आंसर भी 4 है. 10 माइनस 2 ये हो गए 10 माइनस 2 ये 4 आंसर आप लोगों के पास आ गए. ये आप लोगों के पास है जब पाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4 या क्वाड्रेटिक 3 होगा इसकी जब आप लोगों के पास ऐसी इक्वेशन आएगी तो उसको रिड्यूस इस तरह से आप लोग करके इसके आंसर निकाल सकते हैं. ये आप लोग का इसके आंसर का इसके तीन क्वेश्चन में पहले तीन पार्ट है तो आप लोग करके इस पे इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं. देख लें एक पे तो लिखने एक दो बार सो जी. तो टाइप नंबर 2 है a g of x plus b by p of x is equal to c. क्या पहचान है? सिर्फ इतनी पहचान है जो फंक्शन यहां पे होगा x का और यहां पे भी होगा. ठीक हो गया. जब ये दोनों सेम हो गए तो दिस इज टाइप नंबर 2. इसको भी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक कर लें और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लें. ठीक हो गया. अब आप लोग देख सकते हैं इसके जो क्वेश्चन आप लोगों के पास बन रहे हैं वो कौन से क्वेश्चन थे. चौथा पार्ट भी इसी का है, पांचवा भी इसी का है, छठा भी इसी का है. मैं इसको पहले चौथा पार्ट कर देता हूं. जी क्या है चौथा पार्ट? x plus 2 minus 1 by x plus 2 is equal to 3 by 2.
जी यहां पे क्या करने हैं, यहां पे ये करने कि जो यहां पे कोई यहां पे मैंने कहा था जो सेम चीज है उसको लेफ्ट कर देने हैं, लेफ्ट करेंगे इसको लेफ्ट y = 2 x + यहां पे कोई ये यहां पे भी कोई जी पुट कर दें y - 1 / y = 3 / 2 तो दो फ्रैक्शंस आ रही है क्या करेंगे y एलसीएम आएगा y सेम टू y स्क्वायर यहां पे y कैंसिल हो गया 1 = 3 / 2 ठीक हो गया अब इसके बाद आप इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब हमारे पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर - 1 This is quadratic in y. Quadratic in y. आप इसकी मिडटर्म ब्रेक करनी है. मिडटर्म क्या ब्रेक करनी है? मल्टीप्लाई करने से 2 2 = 4. माइनस 4 आना चाहिए. और प्लस माइनस करने से माइनस 3 y आना चाहिए. अब दोनों बस क्या हो जाएगा? 2 y square माइनस 4 y प्लस प्लस माइनस माइनस 4 में से वन निकालें तो माइनस 3 है इसके मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 4 1 और 4 तो यहां पे पास 4 आ क्या करेंगे 2 y कॉमन आ रहा है y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ रहा है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 2 y प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0 2 y प्लस 1 इक्वल टू 0 y माइनस 2 इक्वल टू 0 y इज इक्वल y is equal to minus 1 to 2 so we divide that y is equal g to yes sir and then yes sir now sir we have to be let k away now k are the case 1 k away remove value of y in टाइप इसकी है कि यहां पर जो फंक्शन है वो यहां पर जो फंक्शन आ रहा है ठीक
कोई अब थोड़ा से बात देखते हैं यहां पर क्या है और यहां पर क्या है तो यहां पर ज़ेन रहने की जैसे हम आपको सारी टाइप कर चुके तो आपके ज़ेन में होगी किसकी क्या पहचान है कंफ्यूज हो जाए कि ये कौन सा है कौन सा तो देखिए आप लोग दैट ये हमारे पास वाई है अब ये सेम टू सेम है लेकिन इसका उलट है क्या है इसका उलट है ऐसी प्रॉब्लम इसको मैं लिख सकता हूं मान लीजिए ठीक है ये वाई है और ये सेम सॉर्ट है तो ये क्या जाएगा मान लो है तो पुट कर तो y माइनस 1 बाय 5 इज इक्वल टू 5 बाय 6 y माइनस 1 बाय 5 इज इक्वल टू 5 बाय 6 अब आप लोगों ने क्या करना है इसका वही का एलसीएम ले रहे हैं एलसीएम के साथ कर रहे हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा y y टू y y स्क्वायर ये y बाय 6 कैंसिल माइनस 1 इज इक्वल टू 5 बाय 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा 6 इस लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 6 y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 5 बाय 6 y स्क्वायर माइनस 5 बाय माइनस 6 जी क्वाड्रेटिक इन y 6y स्क्वायर माइनस 5y तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0 अब आप लोगों ने क्या करने हैं आप लोगों ने ये करने हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन करने क्या फैक्टराइजेशन है 6 6 और 36 मल्टीप्लाई 36 है प्लस माइनस से माइनस 5 है तो क्या हो सकता है आसान से बेटा ब्रेक इसकी माइनस 9 प्लस 4 9 में से 4 निकालने तो माइनस 5 होता है 9 4 जा 36 होते हैं प्लस माइनस माइनस होते हैं ये इसकी मिड टर्म लेकर आ जाएगी तो आपको कॉमन दे दो 3 y कॉमन दे 3 2 जा 6 प्लस 2 कॉमन दे दो 2 जा 4 और 3 जी वन के अंदर इसको वन किया है ठीक हो गया आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं इसको वन कह दें इसको टू कह दें और इसको स्टार कह दें और कहें कि हमने वन और टू को तो देख किया उसको स्टार के अंदर पुट कर दिया तो फिर डायरेक्ट कर दें तब भी कोई मसला नहीं तो रिपुटिंग रिपुटिंग वैल्यू ऑफ y in 1 तो पहले y की वैल्यू क्या है ये हमारे पास माइनस 2 बाय 3 y इज इक्वल टू क्या है x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 y की वैल्यू क्या है माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 अब लोग यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस टू इंटू एक्स माइनस
equal to unit x plus. Then I have minus 2x minus minus plus. Therefore, 3x over 3 plus 6. G. तो x के लिए निकाल ली 6 plus 6 shift कर दे minus 2 आएगा 3x plus right hand side में जाएगा plus 4 minus 6 minus 2 3 plus 2 5x 5 को divide कर दे x equal to minus 5 एक आंसर आपने बता दिया था अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई y is equal to 3 by 2 y is equal to 3 by 2 y is equal to x plus 2 x minus 2 3 by 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 into x minus 2 is equal to 2 into x plus 2 3x minus 6 2x plus 4 3x with section to go minus 6 with section to go plus x is equal to 10 तो हम लोग के पास सॉल्यूशन सेट में क्या जाएगा minus 2 by 5 is 10 तो ये हम लोग के पास इसके दो सॉल्यूशन सेट सेकंड टाइप क्या है तो इस टाइप में यही आप लोगों के पास तीन क्वेश्चन बन रहे इसके बाद तीसरी टाइप जो है उसके क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं हमारे पास उसमें सेट करके पूरी क्वेश्चन साफ करके फिर उसके बाद आते हैं अगला काम स्विच करना है तो यहाँ तक कि नेक्स्ट टाइप्स और अगली लेसन में वो इंशाल्लाह करवा दूंगा जो नंबर